चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय सायमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम और हम आपके लिए हाजिर हैं एक छोटी सी रेसिपी के साथ। सब्जी बनाएंगे, हरी प्याज आलू की सब्जी। इसके इंग्रेडिएंट देख लें आप जल्दी से। ये हमारे पास होल स्पाइसेस हैं और ये हमारे पास ऑयल है, हसब जरूरत लेंगे। एक टमाटर बड़ा वाला है, हमने इसको फाइन चॉप कर लिया है। दो आलू हैं छोटे कटे हुए हमारे पास, अगर बड़ा हो तो एक ले लीजिए। और ये हमारे पास लहसुन अदरक चॉप है, आधी चमची हमारे पास जीरा है, और ये हरी प्याज है, और ये इसका वाइट वाला हिस्सा है। इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हसबे और जायका अपना जितना भी आप यूज़ करें, हम ऑयल ले लेंगे एक चमचा। ये हम जल्दी से ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल डालने के बाद हम इसमें अपना ये चॉप लहसुन अदरक और जीरा डाल देंगे। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। चूल्हा हमारा हाई है, मीडियम टू हाई पर है, बिल्कुल हाई नहीं है इसका। देखें जब जरा सी इसको आपको लगे खुशबू आने लगी तो हम हरी प्याज नहीं डालेंगे बल्कि इसका जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है ये डाल देंगे। ये आप चाहें तो इससे लहसुन अदरक से पहले भी डाल सकते हैं। हम पहले भी डाल लेते हैं, बाद में भी डाल लेते हैं, दोनों साइड से ही डाल लेते हैं। इसको हल्का सा सौते करेंगे। देखिए ये अभी जरा सा ये सौते होने लगेगा तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले हम इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं अपने और टमाटर डाल देते हैं। देखिए ये हमारे पास टमाटर है, इस टमाटर को भी हम डाल लें। और देखिए प्याज को हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, हमने इसको ऐसी हल्की बस कच्चा पक्का रखना है। हमने टमाटर डाल इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखें ये देखिए हमारे पास नमक है, नमक हल्दी जायका जितना आप खाते हैं हम एक छोटी चमची डाल रहे हैं बस ज़्यादा। और ये हमारे पास लाल मिर्च हैं, ये भी हम बहुत कम डालेंगे, इसमें मिर्चें जो हैं थोड़ा कम अच्छी लगती हैं। और आधी चमची हम हल्दी की ले लेंगे, ये देखें हल्दी डाल देंगे, ज़्यादा स्पाइसेस इसको नहीं ले रहे हैं। और इसके अलावा हम इसमें और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, बस इसको हम चलाएंगे। बहुत लाइट सी मिर्चों की इसको हम रखेंगे। और ये देखेंगे हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं, हल्की मिर्चों की ये बहुत अच्छी सी सब्जी होती है। ये करने के बाद इसके साथ ही हम इसमें हरी प्याज भी ऐड कर देंगे। बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है ये। इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर रखेंगे। और ये आप प्याज जो है ना, हरी प्याज ये अपना बहुत पानी छोड़ती है तो इसको हम हल्की आंच पर रखेंगे और ये पकती है। जैसे ये इसको दम होता है, इसमें ऑयल ऊपर आता है, इसका पानी फिक्स होता है, हम आपको दिखाते हैं 10 मिनट के लिए हम इसे दम पर रखते हैं। देखिए व्यूअर्स हम 10 मिनट के बाद वापस आ गए और ये देखें ये बिल्कुल दम हो गया, बिल्कुल रेडी है ये। और आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। ये देखें इसका ऑयल, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया और ये बिल्कुल डन है। और आप इसका कलर देखें ना, ये इसमें रेडिश कलर आ रहा है क्योंकि ये ना बहुत कम मिर्चों से बनी हुई है और बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। जो आपके घर में कम मिर्चें खाते हैं उनके लिए आप ये बना सकते हैं। कभी कभी दिल चाहता है, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी डिशेस को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत अच्छी डिशेस हैं ये सब्जियों की, सब्जियां हर मौसम में खानी अच्छी लगती हैं। और आप इसे बनाएं, खाएं और फिर हमें अपना इजहार राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं अगर आपने ये रेसिपीज ट्राई करी हैं तो आपको कैसी लगी हैं और इनका टेस्ट कैसा लगा आपको। अगर आप हमसे और अच्छी रेसिपीज़ बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर अच्छी रेसिपीज़ बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।